जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि के कुछ सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पे बहुत कम ही वीडियोस बने हुए हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट भी होते हैं इस टाइप के सवालों में। तो आज हम लाभ हानि के टाइप वन के सवाल करेंगे, जिसमें आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहेगा और वस्तु का जो लाभ है उसको बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ है वो दिया रहेगा और हमको निकालना है लाभ का प्रतिशत। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल है आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे और कभी भी इनमें गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचा गया तो बेचने पर हमें 11 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 33 रुपए में बेचा और हमें लाभ कितना हुआ, 11 रुपए का। तो हमें बताना है कि हमें कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य, तो यहां पर हम लिख देंगे भाई विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 33 रुपए। ठीक है, तो ये 33 रुपए हमें दे दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें दिया है कि लाभ जो है वो 11 है। ठीक है, तो लाभ हमें दिया है 11 रुपए। ठीक है, तो लाभ क्या है, 11 रुपए। ठीक है, ये लाभ हो गया। ठीक, अब इसके बाद में हमें बताना है कि लाभ का परसेंट क्या होगा। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, लाभ का परसेंट। ठीक है, लाभ का परसेंट हमें निकालना है। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूले को देखते हैं फिर इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, लाभ परसेंट। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, ठीक है, लाभ बटा विक्रय, लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं, यहां पर क्या आएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो ये है लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए लाभ हमारे पास है, लाभ हमें दिया हुआ है 11 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 33 रुपए। अब विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं, हमें क्या जरूरत है, क्रय मूल्य की। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद में जो है हम लाभ परसेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें निकालना है तब जाके हम इसको यहां पर रखेंगे और हमारा मान निकल के आएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, जो विक्रय मूल्य है जितने में हमने बेचा था उसमें से हम लाभ को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपने कोई वस्तु है उसको 10 रुपए में बेच दी। ठीक है, 10 रुपए में आपने बेच दी। ठीक है, 10 रुपए में बेची और आपको 5 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 10 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो गया, तो आपने उसको खरीदी कितने में होगी, तो भाई इसको हम इसमें से घटा देंगे, भाई लाभ जो है ये 5 रुपए का हो गया। अब 10 में से हम 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 रुपए क्या है, आपने 5 में खरीदी होगी तो 10 में बेचने पर आपको 5 रुपए का लाभ हुआ, भाई तभी तो हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, जो लाभ है उसको विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो हमारा जो है क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम विक्रय मूल्य कितना है, 33। ठीक है, माइनस 11। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 33 में से 11 जाएंगे कितना बचेगा, बचेगा हमारा यहां पर 22। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया है, 22 रुपए आ गया है। ठीक, अब देखिए, अब जो जो भी मान हमें पता है उसको यहां पर रख दीजिए और हमारा लाभ का जो परसेंट है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ कितना है, 11 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा 11 रुपए। ठीक है, इसके बाद में क्रय मूल्य कितना है, 22 रुपए, तो यहां पर आ गया 22। ठीक है, इसके बाद में यहां पर गुणा में कितना है, 100 है, तो ये 100 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, देखिए 11 एकम 11, 11 दुनी 22। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 100 है, तो यहां पर आ गया 100 बटे नीचे कितना है, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए नहीं, ये क्या हो गया, 50%। ठीक है, तो लाभ परसेंट हमारा कितना आ गया, लाभ परसेंट बराबर आ गया 50%। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्रय मूल्य कहां पर है, विक्रय मूल्य कहां पर है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, फिर इसके बाद में आप खुद ही सीख जाएंगे, आप अपने मन से भी सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दोस्तों, दूसरा सवाल मैंने यहां पर लिख लिया है, यदि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाए तो हमें 20 रुपए का लाभ होता है, तो हमें बताना है कि लाभ का परसेंट कितना है। पहले सवाल की तरह इसको भी हमें करना है, तो सबसे पहले देखिए कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य
यानी इसमें 200 रुपए में हमने बेचा है तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो 200 रुपए में बेचने पर हमें 20 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि हमें कुल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिया गया है, जो जो दिया है उसको आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। क्या है, विक्रय मूल्य, तो यहां पर लिख लीजिए विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है, 200 रुपए, ठीक है। इसके बाद में हमें लाभ दिया है कितना, 20 रुपए, तो यहां पर लिख लीजिए लाभ, ठीक है। लाभ बराबर कितना है, 20 रुपए, ठीक। अब हमें बताना है लाभ का परसेंट, तो लाभ का परसेंट हमें निकालना है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लाभ परसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें दी हुई हैं। अब हमें ज्ञात करना है लाभ का परसेंट, तो लाभ परसेंट का एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, लाभ का परसेंट, ठीक है। लाभ का परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। ये फार्मूला आपको रट लेना है इस टाइप के सवालों में, क्योंकि जब ये याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। और फार्मूले में भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है भाई, लाभ कितने रुपए में खरीदने पर आपको कितना लाभ हुआ वो लिखना है और 100 से गुणा कर देना है, लाभ परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अब देखिए, हमें यहां पर क्रय मूल्य पता करना है और क्रय मूल्य हमको दिया नहीं है, ठीक है। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो देखिए जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, आपका निकल आएगा कि आपने कितने में खरीदा था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। यहां पर आ जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा 200 रुपए, ठीक है। माइनस लाभ कितना है, 20 रुपए, तो 20 इसमें से घटा दीजिए, 200 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 180 बचेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, क्रय मूल्य बराबर 180, ठीक। अब देखिए आपका लाभ परसेंट कितनी आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो जो भी मान दिए हुए हैं उन सभी को अब इसमें हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, लाभ परसेंट, तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं लाभ परसेंट, ठीक है। अब हमें लाभ दिया हुआ है कितना, 20 रुपए, तो यहां पर हम लिख देंगे 20, बटे में क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 180 है। इसके बाद में गुणा में यहां पर कितना है, 100 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए एक यहां पर 100 है, 100 का गुणा 20 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, बटे नीचे कितना है, 180, तो 180 नीचे आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 200 बटे 18, ठीक है। अब यहां पर आप इसको काट दीजिए, देखिए दो नाम 18, दो से काट दिया, यहां पर देखिए इसको दो से काटेंगे, दो एकम दो और जीरो जीरो, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 100/9, ठीक है। अब 9 से आप इसको यहां पर लिख लेते हैं, 100/9। अब 9 से आप 100 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए 9 एकम 9, यहां पर भी 9 एकम 9, एक बचेगा 9 एकम 9, फिर दशमलव, फिर से 10 हो जाएगा 9 एकम 9, तो लगभग इसका आंसर आएगा 11.11%, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 11.11%, इतने परसेंट का आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी वस्तु को 200 रुपए में बेच देंगे तो आपको 20 रुपए का लाभ होगा, तो आपको कितने परसेंट का लाभ होगा, 11.11% का आपको लाभ हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।